हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज सिंपल रसोई चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बड़ी ही आसान, बड़ी ही झटपट बनने वाली सिंपल सी रेसिपी, राजमा की रेसिपी बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको शुरुआत से नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं आपको समझाने और बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने रात को ही एक कटोरी तकरीबन राजमा ले लिए थे, जिन्हें मैंने भिगो के रख लिया था, और सुबह मैंने उनको अभी अच्छे से बॉश करके, दो तीन बार बॉश करके प्रेशर कुकर के अंदर डाल के और आधा टेबलस्पून नमक के करीब डाल के इसको दो से तीन सीटी लगवा ली। उसके पश्चात मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने तीन से चार कलियाँ लहसुन की ग्रेट किया हुआ अदरक का टुकड़ा, दो से तीन हरी मिर्च और तीन टमाटर और कटे हुए आलू, जो या पापा देख सकते हो। और इसी को दोस्तों, मैं ये बड़ी ही झटपट बनने वाली रेसिपी मैं आपको बताऊंगा, और इसमें मैं प्याज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ। इसमें मैं मेलन सीड्स और साथ में मैं यहाँ क्रीम का यूज़ करूँगा, जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो दोस्तों, लहसुन की कलियाँ, ग्रेट और अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च और टमाटर, इन सभी को मैंने अच्छे से इनकी प्यूरी बना के प्रेशर कुकर में डाल दीजिए, जैसा कि आप देख सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, आज हमारे यहाँ हिमाचल में लाइट ना होने की वजह से आपको ये वीडियो देखने में थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी, लेकिन दोस्तों चिंता बिल्कुल भी ना करें। पिछले कल मैंने आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ये असुविधा ना हो, इसलिए मैंने पिछले कल मिनी पोर्टेबल स्ट्रीट लाइट, रिचार्जेबल लाइट है ये, मैंने आप लोगों के लिए परचेज़ करी, ताकि आपको वीडियो देखने में बिल्कुल भी बाधा का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो प्यूरी थी वो मैंने यहाँ डाल दी है। अब इसको चलाते हुए मैं इसके अंदर डालूँगा, अभी मैं डालूँगा आधा चम्मच हल्दी, टर्मरिक पाउडर, और साथ में मैं डालूँगा यहाँ पे गरम मसाला, ये अपने घर के तैयार किए हुए मसाले हैं, गरम मसाला एक बड़ा चम्मच, या आप चाहें तो आधा चम्मच, और जायका बढ़ाने के लिए आप इसमें डाल सकते हो। और साथ में ही मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ देगी मिर्च। देगी मिर्च डालने से रेसिपी का जो कलर निखर के आता है वो वाकई में देखने वाला होता है। तो इसलिए आप चाहें, ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है, और हर रेसिपी में आप देखिए मिर्च का यूज़ ज़रूर करें। तो अभी ये सब कुछ डाल के हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब हमने राजमा को उबालने के लिए रखा था, उनको दो से तीन सीटी लगाई थी, तो उसमें भी हमने आधा टेबल स्पून नमक का यूज़ किया था। तो अभी इसमें आधे से भी कम नमक हम डाल रहे हैं। अभी हम इनको अच्छे से चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी जो प्यूरी थी आप देख सकते हो, इसको हमने अच्छे से चलाया और ये ऑयल बिल्कुल रिलीज़ हो चुका है। तो अभी हम इसमें डालेंगे अपने कटे हुए आलू, ये आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि जब भी आप मसाले को भून रहे हो तो अपनी गैस को लो टू मीडियम ही रखें, ताकि जो आपका मसाला है वो नीचे ना लग जाए, जल ना जाए। अब हम क्या करेंगे, ये जो आलू डाले हैं इनको अच्छे से मिक्स करेंगे इस मसाले के साथ, इसको अच्छे से एक मिनट के लिए भून लेंगे। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये झटपट बनने वाली राजमा की रेसिपी है। इसमें मैं प्याज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा। इसमें मैं, आप देख सकते हो, ये मेलन सीड्स हैं, मेलन सीड्स का यूज़ किया है। क्रीम मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि इसको कब डालना है, कैसे डालना है, ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो अभी ये हमने आलू डाले हुए हैं, इनको अच्छे से भुनने दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये मेलन सीड्स को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, और इसी के अंदर मैंने क्रीम का यूज़ किया हुआ है। क्रीम का यूज़ इसलिए किया मैंने कि मेलन सीड्स को पीसने के लिए, उनको ग्राइंड करने के लिए पानी का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन मैंने यहाँ पानी का एक भी बूंद का यूज़ नहीं किया है, क्रीम का ही यूज़ किया हुआ है। तो अभी हम ये क्या करेंगे, अपने प्रेशर कुकर के अंदर इसको भी
डाल देंगे और इसे जो हमने मसाला और आलू इसी के साथ हम इसे अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि इनसे ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हो तेल बिल्कुल रिलीज़ हो चुका है और जिसमें मैंने अपने मेलन सीड्स और क्रीम को ग्राइंड किया हुआ था उसमें हल्का सा पानी डाल के इसके अंदर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से चला लेंगे। ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो। तो इसे आधे मिनट के लिए आप अच्छे से चलाते हुए भूनेंगे। तो फ्रेंड्स ये पूरी तरह से इसका ऑयल जो है वो रिलीज़ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसी के अंदर जो राजमा हमने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे वो इसके अंदर हम डाल देंगे। ये आप देख सकते हो ये इसके अंदर मैंने डाल दिए। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो मैंने ये राजमा इसके अंदर डाल दिए हैं, ये देख सकते हो। तो अभी इसे अच्छे से हम करेंगे मिक्स और इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला, ये देख सकते हो आप थोड़ा सा गरम मसाला। इसके अंदर कस्तूरी मेथी भी डाली जा सकती है और डाली जाती है, लेकिन मेरे पास अभी है नहीं तो इसलिए मैं डाल नहीं रहा। आपके पास हो तो अगर अवेलेबिलिटी है आपके पास मेथी की तो आप प्लीज़ इसका यूज़ ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हो अच्छे से ऑयल रिलीज हो चुका है। और एक बात का बिल्कुल ध्यान रखें, जब भी आप राजमा की सब्ज़ी बनाएं तो इसमें ऑयल का यूज़ हमेशा ज़्यादा ही करें, इससे जायका और भी निखर के आता है, बड़ा ही लाजवाब बड़ा ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो अभी आप देख सकते हो इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया है, अभी हम लगा देंगे इसका ढक्कन और दो सीटी आने तक हम करेंगे इंतज़ार। और दो सीटी होने के बाद गैस को कर देंगे हम बंद और कुकर का प्रेशर जब तक रिलीज़ ना हो जाए तब हम तक वेट करते हैं। चलिए दोस्तों अभी लगाते हैं हम कुकर का ढक्कन, दो सीटी आने का करेंगे हम लोग इंतज़ार। अभी आप देख सकते हो कुकर का प्रेशर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो रिलीज़ हो चुका है, ये देख सकते हो। अभी इसे पूरी तरह से खुद ब खुद रिलीज़ होने दें, फिर देखते हैं कि हमारी सब्ज़ी राजमा का मदरा जो किस तरीके से तैयार हुआ है। और यकीन मानिए दोस्तों बड़ी ही लाजवाब बड़ी ही झटपट बिना प्याज के बनने वाला ये मदरा है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और जो दोस्त जो लोग मेरे चैनल पे अभी नए हैं वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप लोग हर रोज़ मेरी नई रेसिपीज़ को देख सकें। धन्यवाद फैमिली। अभी जैसे ही ये प्रेशर रिलीज़ होता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारा ये राजमा का जायका किस तरीके से तैयार हुआ है।